हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आज वाली वीडियो आप लोग कंप्लीट लास्ट तक वॉच आउट कर लेते हो तो इससे आप लोगों को दो बेनिफिट्स होने वाले हैं। फर्स्ट, आप लोगों की अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। फर्स्ट आप लोगों को मैं रिवार्ड्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू आउटफिट ऐड कर दिया गया है एंड इसके साथ हेडगियर भी है एंड काफ़ी सही आउटफिट है, बट मेरा ये फेवरेट नहीं है। मेरा तो एक और फेवरेट है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके अलावा इसमें और काफ़ी बढ़िया बढ़िया आउटफिट्स भी हैं, जैसे आप लोग ये चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है वो ये रेड बेल है एंड इसमें आप लोग चेक कर सकते हो, 4000 पॉइंट में आप लोग इसको ले सकते हो। पॉइंट्स कैसे मिलने हैं, ऊपर 68 पॉइंट है आप लोग देख सकते हो एंड मुझे ये जस्ट दो मैचेस खेलने पे मिले हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एंड ये पॉइंट्स एक्सपायर नहीं होते, मतलब अगर आप लोग इस सीजन इनको कंप्लीट कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग नेक्स्ट सीजन भी इसको रिडीम कर सकते हो। आप लोगों के पॉइंट्स आप लोगों के पास से स्टील रहेंगे। इसके लिए आप लोगों ने करना है क्या है, इसके अलावा आप लोग यहां पे दूसरे सारे रिवार्ड्स भी चेक कर लेना जो आप लोगों को बढ़िया लगे। एंड ये जो आउटफिट है रेड वाला मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आप लोग इसी सीजन रिडीम कर पाओगे। मैं आप लोगों के 4000 पॉइंट्स आप लोगों ने कैसे लेने हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बाकी प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या होगा कि यहां पे वीकली मैचेस के लिए रजिस्टर करना होगा। टाइम चल रहा है, इसी टाइम ड्यूरेशन में आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने से पहले आप लोगों को मस्ट एक क्रू ज्वाइन करना होगा एंड क्रू ज्वाइन करते हुए कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनका ना बैन का इशू आ रहा होता है। बैन का क्यों इशू आता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। सो उससे पहले आप लोगों ने क्रू ज्वाइन करना है। अगर आप लोगों को ज्वाइन हो रहा है तो क्रू ज्वाइन करने के लिए यहां पे आप लोगों ने क्रू पे चले जाना है। यहां पे आप लोगों ना मैक्सिमम 6 मेंबर्स ऐड हो सकते हो। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ऐसा क्रू है जिसमें आप लोग ज्वाइन हो, वो रजिस्टर वगैरह नहीं करते, आप लीडर नहीं हो, तो लीडर नहीं हो तो आप लोग यहां से ना लीव कर सकते हो। मतलब अगर वो रजिस्टर वगैरह नहीं कर रहे तो आप लोग यहां पे अपनी प्रोफाइल के सामने इस पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग यहां से लीव कर जाओगे। लीव करने के बाद आप लोगों ने कोई ऐसा क्रू ज्वाइन कर लेना है जो रजिस्टर करता हो, या फिर अपना खुद का क्रू बना के उसमें 4 मेंबर ऐड कर लो। जैसे आप लोग ऐड करोगे उसके बाद आप लोग रजिस्टर कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों के क्रू की रैंकिंग वगैरह शो हो रही होगी। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आप लोग क्रू वगैरह अपना बना लो, मिडिल ईस्ट कर लेना क्योंकि इसमें MS वगैरह सही आती है, उसके बाद प्लेयर्स भी सही होते हैं नॉर्मली। उसके बाद आप लोगों ने जैसे इस पर ओके क्लिक करोगे, सर्वर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप लोग वीकली मैचेस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जस्ट ओके करके रजिस्टर कर देना है एंड आप लोग क्या ना यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा, इस टाइम के बाद मैचेस स्टार्ट होंगे। यहाँ पे जहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे इंटर का ऑप्शन आ रहा होगा उसी टाइम ड्यूरेशन में जब ये टाइम खत्म होगा। जस्ट आप लोगों ने इंटर करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपने फ्रेंड वगैरह को भी इनवाइट कर सकते हो, या फिर आपका फ्रेंड भी सेम इसी तरह आके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे वो इंटर करेगा फिर नीचे स्टार्ट का ऑप्शन होगा, आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट के अंदर मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे ना week 1, week 2, week 3, week 4 के मैचेस होंगे। week 4 तक मैचेस होंगे और हर वीक में टॉप 40 जो प्लेयर्स हैं ना उनको सेलेक्ट किया जाएगा सेमीफाइनल राउंड के लिए। एक वीक में पहले 3 दिन के लिए होता है, यहाँ पे 3 दिन हमारे पास मैचेस होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक, फिर 3rd, 4th एंड इसी तरह हर वीक में जो टॉप 40 टीम्स होती हैं उनको सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फिर उनके यहाँ पे फाइनल्स होते हैं, टॉप की जो 2 टीम्स होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है हर राउंड में से सेमीफाइनल में से। फिर उनका प्ले ऑफ होता है एंड उनको फाइनल के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसी तरह हर वीक में ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब आप लोग हर वीक में जितने मैचेस खेलते जाओगे उसी के हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस हिसाब से आप लोगों को रैंकिंग के पॉइंट्स मिलेंगे, किस हिसाब से किल के पॉइंट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे एंटी चीट के अंदर जाओगे ना तो इनका रूल बहुत ही सख्त है। मतलब अगर आप लोगों ने कोई भी हैक वगैरह लगाने की कोशिश की तो आप लोग परमानेंट यहाँ से क्रू से बैन हो जाओगे, फिर आप लोग ये मैचेस नहीं खेल पाओगे। एंड यहाँ पे बॉक्स भी अगर आप लोग इसको ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको मत ओपन करना। आप डायरेक्ट कोई भी रिवार्ड वगैरह मतलब आउटफिट वगैरह रिडीम कर लेना। मेन चीज़ कुछ लोगों का क्रू रजिस्टर नहीं हो रहा होता, उसकी एक ही रीज़न है कि पास्ट में कभी भी उन्होंने अगर कोई हैक वगैरह लगाया होगा या फिर किसी भी छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए भी उनकी आईडी बैन हुई होगी ना, तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्रू ज्वाइन ही नहीं कर सकते, तो उनको यहाँ पे मतलब वो मैचेस नहीं खेल सकते। एंड जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अचीवमेंट भी आप लोगों की कंप्लीट होगी, तो वो आप लोगों ने अचीवमेंट्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे ना आप लोगों को मैं अचीवमेंट दिखा देता हूँ, वो अचीवमेंट जस्ट आप लोगों ने ऑल टैलेंट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं तो वो आप लोगों की कंप्लीट होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाली अचीवमेंट है एंड इसके अभी देखोगे तो मेरे जस्ट 2 मैचेस हुए हैं।
मतलब मैंने जस्ट 2 मैचेस खेले थे और मुझे 68 पॉइंट्स मिले हैं एंड मैंने वो मतलब उनमें जल्दी मर गया था। अगर आप लोग मैचेस अच्छे से खेलोगे ना तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स एक एक मैच के अंदर मिल जाएंगे एंड 4000 पॉइंट तो मुश्किल ही नहीं है, आप लोग इसी सीज़न कंप्लीट कर लोगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 100 मैचेस खेलने हैं ऑल टैलेंट चैंपियनशिप के, तब जाके आप लोगों की अचीवमेंट कंप्लीट होगी। एंड एक वीक में आप लोग 15 मैचेस खेल सकते हो, एक दिन में आप 5 मैचेस खेल सकते हो। टाइम मेरे ख्याल से 5 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक होता है, तो उसी टाइम के अंदर अंदर आप लोग जितने मैचेस खेल सको मैक्सिमम 5 खेल सकते हो एंड किसी भी टाइम खेल सकते हो इस टाइम के अंदर। जस्ट हर घंटे के बाद मैच स्टार्ट हुआ करेगा, आप लोगों ने जस्ट वहाँ पे जाके इंटर किया करना है। मिनिमम 2 प्लेयर ही मतलब मैच खेल सकते हैं, अगर ये नहीं हो सकता कि आप लोग अकेले जाके मैच खेलना स्टार्ट कर दो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। मिनिमम 2 प्लेयर्स, मैक्सिमम 4 प्लेयर्स, बट क्रियू के अंदर 6 प्लेयर्स ऐड हो सकते हैं और क्रियू मेंबर्स ही वहाँ पे खेल सकते हैं। और जिनकी आईडी बैन होती है वो यहाँ पे पेनल्टी में जाके चेक कर सकते हैं उनका कब क्यों, मतलब यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरे यहाँ पे देख सकते हो 0 प्लेंटी फॉर दिस अकाउंट, मतलब यहाँ पे आप लोगों का शो हो जाएगा कि पास्ट में कभी इसके अकाउंट पे कोई रिपोर्ट वगैरह या फिर कोई बैन वगैरह इस आईडी पे पड़ा हुआ है, तो वो वाले बंदे इसको रजिस्टर नहीं कर सकते, मतलब कभी भी रजिस्टर नहीं कर सकते। इसका एक ही सलूशन है, वो आप लोग डिस्कॉर्ड वगैरह पे जाके बात करके देख लेना, अगर हो जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा आप लोगों को ना यहाँ पे एक और जगह से भी रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं, मतलब जैसे आप लोग मैचेस खेलना स्टार्ट कर दोगे ना तो यहाँ पे रीजनल रैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ मिशंस शो होंगे, उनमें ये होगा कि आप लोगों ने वीक में इतने मैचेस खेलने हैं, तो उससे आप लोगों को पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं एंड क्रिएट्स भी मिल रहे होते हैं, और उन क्रिएट्स के अंदर से भी आप लोगों को रिवार्ड्स मिल सकते हैं। मतलब ये जो क्रिएट आप लोगों को परचेज करना पड़ता है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये 80 कॉइंस में आप लोग क्रिएट परचेज करते हो, ये वाला कॉइन आप लोगों को क्रिएट्स है ना उसके अंदर से काफी ज्यादा मिल जाते हैं, वो भी आप लोग लाजमी से कलेक्ट कर लेना। मैं तो कहूंगा, रिकमेंड यही करूंगा कि 4000 पॉइंट आप लोगों के इजीली सीजन हो जाएंगे, ये वाला आउटफिट रिडीम कर लेना और लाजमी से इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, रजिस्टर कर लो और उसके बाद कल से मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसको प्ले करो। अगर आप लोग इस वीक रजिस्टर नहीं कर पाते कोई मसला नहीं, आप लोग नेक्स्ट वीक भी कर सकते हो। बाय द वे, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.